Assalamu alaikum 3 class. So students, you know, in your previous lecture we read about mountain animals of Paro and living in the mountains in Paro. So students, now we are topic this page number 18. Why have they become endangered? So you know, in your previous lecture we have discussed that some animals are endangered on the mountains of Paro and some animals are endangered in the mountains of Pakistan. So students, the question is why they have become endangered? Reason क्या है, वजह क्या है? कुछ ये जो animals हैं ये endangered हैं और ये less in numbers, ये तादाद में कम है. So we will find to know, हम ये जानने की कोशिश करते हैं. So one problem is the loss of their habitat. एक सबसे बड़ी problem क्या है? Loss of their student, what is habitat? Habitat is a natural home of एन एनिमल और अ प्लांट. क्लियर? किसी भी प्लांट की, किसी भी एनिमल का जो रहन सहन का जो नेचुरल उसका जो घर है वो है हैबिटेट. क्लियर? सो स्टूडेंट, जब हम एक है द प्रॉब्लम इज द लॉस ऑफ देयर हैबिटेट, उनका हैबिटेट का ख़त्म हो जाना. यू नो, जब वैन वी चॉप डाउन द ट्रीज टू मेक हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, सो देर आर मैनी दैट ट्रीज एंड दैट प्लेस इज द होम ऑफ मैनी बर्ड्स एंड मैनी एनिमल्स. जब हम उन दरख्तों को काट देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज और घर बना लेते हैं, तो उनका जो है नेचुरल होम होता है जहाँ पे वो रह रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाता है, तो वो फिर जिंदा नहीं रह पाते. क्लियर? सो अ हैबिटेट इज़ द नेचुरल होम ऑफ एनिमल और अ प्लांट. क्लियर? सो ह्यूमन्स कैन डिस्ट्रॉय दीज हैबिटेट्स. ह्यूमन क्या करते हैं, इंसान क्या करते हैं, उनके जो हैबिटेट्स उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाई चॉपिंग डाउन ट्रीज, बिल्डिंग हाउसेज एंड रोड्स एंड बाय माइनिंग. माइनिंग जो हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि माइनिंग करते हैं, कानकुनी करते हैं, यानी कि पहाड़ों को खोदते हैं, तो जिसकी वजह से उनका जो नेचुरल होम है वो ख़त्म हो जाता है और उसके ख़त्म होने की वजह से जो ये एनिमल हैं ये तादाद में मरना शुरू हो जाते हैं, तादाद में कम रह जाते हैं, क्योंकि वो जो जहाँ पर वो रह रहे होते हैं उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता. क्लियर? उस जैसा नहीं होता. सो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, दैट्स वाई दे हैव बिकम एंडेंजर्ड. क्लियर? दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू दिस पार्ट, अदर यूजेज ऑफ माउंटेन्स. माउंटेन्स के और इस्तेमाल क्या हैं और क्या फ़ायदे हैं? सो माउंटेन्स आर वेरी पॉपुलर विद टूरिस्ट. माउंटेन्स जो हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट का, यू नो, टूरिस्ट जो सयाह होते हैं सैर करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं और आते हैं. दीज आर द विजिटर्स, विजिट करने आते हैं. सो पीपल विजिट माउंटेन्स टू, क्यों लोग माउंटेन की सैर करने के लिए आते हैं? इन्जॉय द क्लीन एयर एंड सीनरी. क्लीन एयर, ताज़ा हवा के लिए, और सीनरी, ग्रीन चीज़ों को देखने के लिए, अल्लाह ताला की कुदरती जो चीज़ें उनको देखने के लिए आते हैं. सो गो कैंपिंग करते हैं वहाँ पे, वॉकिंग, क्लाइंबिंग करते हैं पहाड़ों पे, एंड हाइकिंग करते हैं. इन्जॉय स्पोर्ट्स खेलते हैं, सच एज सीकिंग एंड ट्रैकिंग. क्लियर? So students, now that these are the uses of mountains, now tourists can also cause problems. यहाँ तो ऊपर हमने जो बात की कि tourists आते हैं और mountains को पे enjoy the clean air and scenery enjoy करने के लिए आते हैं, मुख्तलिफ वहाँ पर खेले जाते हैं, but जो tourists हैं उनकी वजह से problems भी create होती हैं. Tourists can also cause problems. सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर, उनमें से कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी जो टूरिस्ट की वजह से क्रिएट होती हैं? नॉइज़ पोल्यूशन, शोर. क्लियर? लिटरिंग द लैंड एंड वाटर, पानी और ज़मीन गंदा होता है, जैसे वो जो भी खाते हैं, वो सैर करने जो भी खाते हैं, जो पीते हैं बॉटल्स, वो सारे रैपर्स जहाँ उन्हें जगह मिलती है वो फेंक देते हैं पानी के अंदर, ज़मीन पे फेंक देते हैं, और वो जो कुदरती और ख़ूबसूरत जगह होती है वो स्पॉयल होती है, ख़राब होती है. इरोजन, वेयरिंग अवे द लैंड्स. इरोजन होती है जब हम कॉज बाय टू मैनी पीपल ट्रैकिंग एंड क्लाइंबिंग द माउंट, जब बहुत ज़्यादा लोग पहाड़ों पे क्लाइंबिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, यानी कि ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश के दौरान जो ज़मीन की जो इरोजन है उसका जो उखड़ जाना है वो होता है, ख़राब होती है. द नेक्स्ट इज़ कटिंग डाउन ट्रीज टू बिल्ड प्लेसेज फॉर पीपल टू स्टे. फिर वहाँ के जो रहायशी होते हैं वो क्या करते हैं, कट डाउन द ट्रीज़. वहाँ पर जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रीज़ होते हैं, खूबसूरती होती है, वहाँ पर उसको कट डाउन कर देते हैं. क्यों कट डाउन करते हैं? वहाँ पर होटल्स बनाने के लिए, लोगों की स्टे के लिए, घर बनाने के लिए, ताकि वो वहाँ पर आसानी रह सकें, जिस वजह से ये टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इन योर नोटबुक, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स पीपल यूज़ माउंटेन्स. आपने बताना है, एक लिस्ट बनानी, इसमें आप बताएं कि पीपल यूज़ माउंटेन्स फॉर ड्रॉ वन ऑफ द थिंग्स ऑन योर लिस्ट. और आपने
जो है एक चीज़ उनमें से एक चीज़ को ड्रा भी करना है अपनी लिस्ट में से. नाउ टर्न योर पेज. व्हाट हैव आई लर्न अबाउट माउंटेंस. दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड. नाउ वी विल नो वी विल ट्राई टू नो व्हाट वी हैव लर्न अबाउट माउंटेंस. हमने माउंटेन्स के बारे में क्या सीखा. सो की फैक्ट्स. सो पाकिस्तान हैज़ मैनी माउंटेन रेंजेस. हमने ये सीखा कि पाकिस्तान में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं. कराकरम रेंज, हिंदूकश रेंज एंड हिमालया रेंज, देर आर मैनी. K2 इज़ द हाइस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान. जो K2 है वो पाकिस्तान का हाइस्ट माउंटेन है. अ माउंटेन पास. पास क्या है. पास इज़ अ रूट. एक रूट है. जैसे एक हमारा ज़मीनी रास्ता होता है उसे हम रोड कहते हैं. इसी तरह पहाड़ी रास्ता तो उसे हम पास कहते हैं. क्लियर. थ्रू अ माउंटेन. माउंटेन को क्रॉस करने के लिए पास यूज़ करते हैं जो पहाड़ों को काट कर बनाए जाते हैं. अ माउंटेन रेंज इज़ अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स क्लोज टुगेदर. माउंटेन रेंज क्या है. एक ग्रुप ऑफ चेन है क्लोज टुगेदर. यू कैन सी हेयर ऐसे. क्लियर. दिस इज़ द माउंटेन रेंज. पहाड़ों की कतार, लंबी कतार, जिसे हम माउंटेन रेंज कहते हैं. पहाड़ी सिलसिला. क्लियर. माउंटेन्स हैव लॉट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. थिंग्स फ्रॉम नेचर दैट वी कैन यूज सच एज वाटर, सोयल, प्लांट्स, ऑयल एंड गोल्ड. क्लियर. ये माउंटेन्स हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमें फ़ायदा देती हैं. पेरू इज़ अ माउंटेनियस कंट्री इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में जो पेरू है वह माउंटेनियस कंट्री है. ह्यूमंस कैन डैमेज माउंटेन्स. An animal is endangered when there are few of its kind left in the wild. Animals can become endangered due to loss of habitat. Question number A, write true and false. Students, read this carefully and try to solve in on your book. So the top of a mountain is called a summit or peak. You will see that it will be crossed or tick. It is up to you. Because you have read the whole topic, if you find difficulty, you can take help from your notes as well. So students, then is B part, endangered animals of Pakistan. Draw and color a poster about how to save endangered animals. आपने एक पोस्टर बनाना है कि आप किस तरह एनिमल्स को सेव करते हैं. इंक्लूड दीज थिंग्स ऑन योर पोस्टर. दिस ड्राइंग ऑफ वन ऑफ एन एंडेंजर्ड एनिमल ऑफ पाकिस्तान. टू रीजन्स वाई एनिमल्स बिकम एंडेंजर्ड. टू ऑफ योर आइडियाज फॉर हेल्पिंग दीज एनिमल्स. सो हेयर यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस posture as well. Save our animals. Why are our animals becoming endangered? List of reasons here. What can we do about it? Your ideas here. यहाँ भी ऊपर आपके लिस्ट आ जाएगी. यहाँ पे आपके आइडियाज आ जाएंगे. Before it's too late. Clear. Thank you so much. Must read the previous today's topic and learn it.